भी दोना दिल के राज हुआ मुझे, न जाने क्यों ये एहसास, अब तुम ही तो हो डैड। आप हर रोज एक नए लो पे गिरते हैं, आपने अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है। वो एफडी क्यों तोड़वाया तुमने? पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ बानी, एफडी क्यों तोड़ा? डैड मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए। 50 लाख रुपए थे, चिल्लर की बात नहीं कर रहा मैं। 50 लाख रुपए की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी, कहाँ खर्चा किया तुमने? बानी आई एम आस्किंग यू समथिंग, ये हमेशा तुम्हारे साथ होता है, बचपन से तुम्हारी ये प्रॉब्लम है। अपने प्रॉब्लम्स की सलूशन खुद ढूंढती हो और हमेशा बकवास सलूशन ढूंढती हो। दैट आई स्पेंट इट, खर्च कर दिया मैंने। व्हाट? आप बार-बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आपको पता है ना? लेकिन आपको वही जवाब मिलेगा ना, आई स्पेंट इट। और वैसे भी वो हैरी ने आना की हेल्प कर दी ना, एज यूजुअल। ये हैरी बहुत अच्छा लगने लगा है तुम्हें आजकल, 50 लाख रुपए जाकर उसके मुंह पे मारूंगा। What? 50 लाख? 50 लाख का अबॉर्शन? ये कौन सा अबॉर्शन होता है भाई? अबॉर्शन के साथ बानी आल्सो फेस सम अदर मेडिकल इश्यूज यार, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हुए होंगे और वो डॉक्टर चार्ज भी तो बहुत करता है। तूने फिर से हैरी से पैसे बोरो किए? आई मीन तुझे नहीं लगता है इस तरह उससे पैसे लेकर तू उसे लीड ऑन कर रही है कि वो सिर्फ दोस्त नहीं है? यार मैं और क्या करती वैंडी, यू टेल मी। एंड यू नो व्हाट, यू आर राइट, वो मेरा लाइफ पार्टनर क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना? Why the fuck should I be single all my life? Are you serious, Anna? तू सच में हैरी के बारे में सोच रही है? क्यों नहीं? He's always been by my side, यार। वो हमेशा मेरे साथ रहा है। और अगर उसी को life partner बोलते हैं, तो so be it, यार। और वैसे भी life partner के सारे notions तो मेरे ex ने तोड़ ही दिए। So, if I have to have a solid friend by my side, why not? So Annie was right. वक्त आ गया हैरी to take the first step. क्यों हर बार मैं कदम बढ़ाने से डरती हूँ? क्यों हर बार मैं एक नया मोड़ लेने से पहले डरती हूँ कि वह चांस आना अपने आप को, to yourself. ये यहाँ क्यों पड़ा? अरे पर ये यहाँ होता है। क्यों मारा तुमने उसे? हाँ? अरे यार ये न्यूज़पेपर यहाँ पर क्यों पड़ा है? अरे मैं उठा देता हूँ यार। हीरो बनने का शौक है ना तुम्हें, क्यों लगे तुम उसके में? यार तो क्या कर... यार मग ऐसे ही छोड़ दे। अरे मैंने उठा दिया यार। तुम्हें पता ना 3 साल में वो क्या बन चुका है। तो क्या करता मैं? हटो यार। एक मिनट, अच्छा अच्छा बैठो बैठो, एक मिनट सिट डाउन। तो क्या करता? हाँ उसको टॉलरेट करता रहता? टॉलरेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। आई अंडरस्टैंड, लिसन, आई अंडरस्टैंड कि वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है, बट वो हमारे घर में आके ये सब नहीं कर सकता। एंड ही इज रियली गेटिंग विशेस एंड आई रियली डोंट लाइक दैट। हाँ आई डोंट वांट टॉक अबाउट हिम एंड वेस्ट टाइम। अच्छा मैं ऑफिस के लिए नहीं कर रहा हूँ, और याद है ना मॉम आ रही है। ओ हाँ अभी मॉम आ रही है, मैंने उनके लिए ना दाल बनाई है, तुम प्लीज चखे जाओ। अरे एक इधर आओ। जब तुम मेरे मॉम के नाम से डरती हो ना, इतनी क्यूट लगती हो यार तुम। वैसे हमारी शादी को फिर भी 3 साल हो चुके हैं, यू कैन काम डाउन। हाँ लेकिन वो साल में एक बार आती है, उनके साथ कभी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने ही नहीं मिला मुझे। अरे तो मेरी माँ ही है, कोई बैंडिट क्वीन थोड़ी है, कोई तुम स्कूल की स्टूडेंट थोड़ी है जो प्रिंसिपल से डर रही हो। यार मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ। Especially when you are not around, it's difficult, na? सुनो, मेरी मॉम सिर्फ बाहर से strong दिखती है, अंदर से she's like a marshmallow. तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं? Call me Meera only, na? अभी से तुम 10 साल बड़ी हो, मुझसे सिर्फ 8 साल छोटी। कायदे से तो उसे तुम्हें आंटी बुलाना चाहिए, लेकिन don't worry, we are a very open-minded family. और अब तो हम एक unconventional family भी बन गए हैं, right? हाँ. Quite harmless.
See, I told you, huh? मुझे ना फार्म हाउस जाना पड़ेगा. हाँ, वो निकी के इन-लॉज का लंच पर आ रहे हैं. बहुत सारी चीजें अरेंज कर रही हैं. एवरीवन देयर इज वेरी स्ट्रेस्ड. तो मीरा को, आई मीन तुम्हारी माँ को बाहर ले जाओगे? बिल्कुल भी नहीं. शी इज माय डॉटर टू एंड आई विल बी देयर एंड डोंट वरी अबाउट मॉम, शी विल बी फाइन हियर. से हेलो फ्रेंड्स. हेलो फ्रेंड्स. बाबा फ्रेंड्स नहीं, फैमिली है हम. आओ दादी पास आओ. आओ जाओ जाओ. अच्छा अच्छा अच्छा. गुड बॉय. ये पैर संभाल के. चूड़ी लग रहा है. टेल हर टू माइंड हर ओन बिजनेस. मालती रिलैक्स. और वैसे भी बाबा को उसकी फैमिली मिल गई है, तो तुम 2 वीक्स की छुट्टी ले लो. सो क्यूट. सीरियसली नाक तो देखो उसकी, तुम जीत जैसी है. आई डोंट थिंक सो. नहीं तुम्हारी तरह तो नहीं है ना. मे बी नाना नानी. नहीं मैं पूछ रही हूँ क्योंकि कभी मिली नहीं हूँ ना. सो आई डोंट नो. ओके गाइस, क्योंकि आप लोग हमेशा अलग अलग ट्रैक पे रहते हो, तो मैं ईशान की फैमिली का ना चार्ट बना के समझाने वाली हूँ. तो प्लीज अच्छे से समझ रहे ना. ओके प्लीज लेट्स बिगिन. ठीक है. सो ईशान, ईशान की एक बुआ है, सुनीति नाम है उनका. ठीक है. उनके एक पति है रवि अंकल. इज ही हॉट? यार मास्टी यार प्लीज, ही इज हैप्पीली मैरिड. ओके इज देयर एनी सच थिंग? ना दादी कुछ बोलो ना यार. सीधा प्लीज सुन लो. ओके ठीक है. इन दोनों का एक बच्चा है जिसका नाम है मोदू. मोदू? नो नो वन वन मोदू. ऐसे कुछ मत बोलना. ये जो बुआ है ना, दिस इज हर ओनली हस्बैंड, फर्स्ट हस्बैंड? मासी वो एक नॉर्मल फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, वहाँ सबके एक एक पति ही है. ओके 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 ओके. लेकिन एक बात अच्छे से सुनो, उन्हें हमारी ट्विस्टेड फैमिली समझने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, और उन्हें थोड़ा टाइम दे देना. ओके प्लीज. अरे चार चार पैग पिलाएंगे सब समझ जाएंगे. नॉट बैड. हाँ आपकी कैपेसिटी 4 हो गई है. उम्र भी तो ज्यादा हो गई है. नहीं नहीं मुझे आप लोगों से ना कोई उम्मीद ही नहीं है. कोई कुछ समझ नहीं वाला है. मेरे से तो ये होगा ही नहीं. अरे होना ही नहीं वाला. लेकिन कम बैक यार, वो मोदू का असली नाम तो बता देती. हाँ बोल. क्या कर रहा भाई? टिक-टैक खेल लो. तू बता. अरे यार बीवी की शॉपिंग खत्म नहीं हो रही, तो मैंने सोचा स्पा में आके थोड़ा बॉडी मसाज कर लूं. बदन थोड़ा ना टूट रहा है यार. ऐश कर रहा है तू बेटा? या मेरी बड़ी बड़ी है? कल वाना के लवर बॉय ने फिर अपना मनी पावर दिखाया. 50 लाख रुपए देकर मुझे नीचा दिखाना चाह रहा है. 50 लाख? 50 लाख यार रोहित, ये तो बहुत ज्यादा रकम है. देख ये तो रकम तुझे फटाफट उसके मुंह पे मारनी पड़ेगी. ये तो पता लगा कल को वो तेरी चड्डी और तेरे कटन के पैसे भी देने लगा. मैं नहीं जानता क्या, जब 50 लाख रुपए लाऊं कहां से, जेब में 50 रुपए नहीं है. माँ से मांगूंगा तो फिर से मारेगी. $54 lakhs अब तुम्हारे, और अब स्लेव फॉर लाइफ बने तुम मेरे. एक मिनट करता हूँ तुझे थोड़ी देर. ये 54 लाख मेरे अकाउंट में कैसे है? तुमने बोला था ना तुम्हारा इनकम टैक्स रिफंड आना है. ऐसा बोला था क्या? But that's great ना, तुम्हें किसी को देना है. Yeah, बच्चे पैसे से वेकेशन जाए. बैंकॉक चलते. बैंकॉक माल बहुत अच्छा मिलता है. हाँ रुको जरा एक काम कर लूँ उससे पहले. मैं क्या हाल है हरी? आना का पति बोल रहा हूँ, 1 घंटे में मिल जरा, पता भेजता हूँ. हाय. हाँ तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ. रोहित मिला था, बहुत गुस्से में था. वो कह रहा था कि मैं क्यों तुम्हारा साथ दे रही हूँ एज अ विटनेस. अरे यार दिस. बट डोंट वरी आना, मैं पीछे नहीं हटूंगी. वादा किया है मैंने तुमसे. मैं बस माँ और बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ. पूनम, आई कैन अंडरस्टैंड.
यू नो द थिंग इज, अगर रोहित सिंपली डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देना तो ये सब करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट ट्राई टू टॉक टू हिम. कोशिश तो वही है. आई विल ट्राई अगेन. थैंक्स. आ जाओ मेरे दोस्तों से मिलाता हूँ. गाइस, मेरा खास दोस्त है, इंटरनेशनल लेवल बिजनेस मिस्टर हैरी. व्हाट्स लास्ट नेम, मुझे कभी याद नहीं रहता. एनीवे, व्हाट्स इन पॉटर पॉटर गुड वन जॉइंट एनीबॉडी. देयर यू गो. थैंक्स. आई डोंट स्मोक. आ कम ऑन. आई सेड आई डोंट स्मोक. आई डोंट स्मोक. ही डजंट. हे बे डेविड, हैरी जो है वो इज लाइक एन इंटीरियर डिजाइनर, इंटरनेशनल आर्किटेक्ट. हमको टिप्स लेना चाहिए इनसे, कैसे हम अपने पब को सुधारे. हाउ टू मेक इट नाइस, यू नो. व्हाट्स इट करोगे हैरी, या तुम सिर्फ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करते हो दूसरों के पीवीओ के साथ. कम टू द पॉइंट रोहित. द पॉइंट हैरी, द पॉइंट 50 लाख रुपए. मुझे तुम्हारे हमदर्दी की जरूरत नहीं, और मैं जिंदा हूं अभी हैरी, अपनी बेटियों की देखभाल कर सकता हूं. So, रोहित, वो पैसे मैंने आना को दिए थे बानी के लिए. आई डोंट नो व्हेदर आई शुड टेक दिस मनी. ओह, यू शुड. मैंने अभी अभी समझाया ना तुम्हें, मुझे या मेरी फैमिली में किसी को ना तुम्हारी मदद, ना तुम्हारी हमदर्दी, ना ही तुम्हारे प्यार की जरूरत है. Don't do that. Sit, relax. Let's see. ये जो मैं सोच रहा हूं वही है. अब तो रास्ता साफ हो गया तुम्हारा. और सो यू थिंक. एक बात बताओ यार, बड़ा सेलिब्रेट किया होगा तुमने कतर में, जब आना और मेरे बीच वो प्रॉब्लम हुई. आना नेवर डिजर्व्ड यू रोहित, क्योंकि तुम इसके काबिल ही नहीं थी. रियली? क्या तो आज तुमसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है दैट शी नीड्स टू मूव ऑन, एंड इफ शी वांट्स टू मूव ऑन विद मी आई विल बी मोर देन हैप्पी विद यू. आई विल बी हैप्पी फॉर यू टू माय फ्रेंड. गाइस लिसन अप, लुक एट दिस रिंग. दिस बैड. यू नो द स्टोरी इज, मेरा जो खास दोस्त हैरी है, वो जिस लड़की के प्यार में पागल है इतने सालों से, फाइनली उसको प्रपोज करने वाला है. द फाइनल लेवल, द फाइनल एग्जामिनेशन. लेकिन मैं तुम्हें इस एग्जाम में पास नहीं होने दूंगा हैरी. अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज तो कर लोगे, शादी कैसे करोगे? मैं डिवोर्स तो दूंगा नहीं. You're sick, Rohit. I'm sick. Yep. Yeah. You need help. Possibly. Potter. उसने तुम्हें 50 लाख का चेक दे दिया? How? कहाँ से आए? God knows यार. बस उसने मुझे चेक दे दिया. That's it. Strange. क्या ना? यार कबीर अभी भी थोड़ा down लग रहा है ना? Oh God, Harry. तुम ना अभी बिल्कुल दादी और अम्मा की तरह बात करने लग गए हो. छींकता भी है तो तुम 1000 बीमारियां निकाल देते हो. ही इज फाइन. ओके. वैसे कबीर, मैं तुम्हारी मम्मा के लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ. क्या बोलते हो, दे दो? सच में सोच लो एक बार और, कहोगे तो दे दो. चलो अब तुम इतना पीछे पड़े हो तो प्रेजेंट दे देता हूँ. कबीर, मामा से कहो ना कि थोड़े दिन इसे पहन के देख लें, बस थोड़े दिन, और उसके बाद मुझे बताएं कि उन्हें कैसा लग रहा है.
उन्हें अच्छा लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, या फिर तुम्हें पहनेगी ना रिंग? हैरी सो रहा है, गिव इट अ ट्रायल। God. What? There you go. You know what? What? Chahe jo bhi ho jaye, I really, really love you. Kyun? Kyun main apne aaj ko screw up kar rahi hu? Mujhe laga ki I've moved on. Par Rohit ko bas ek hi baar dekh kar pata chala I haven't. Wo guzra kal hai mera. पर मैं अपना आज खराब नहीं कर सकती। It's time to move on. दिल